हे दोस्तों, आपका स्वागत है इंडियन पेनी में। क्या आपने राइजन 5 3600 का प्रोसेसर लिया या फिर आप लेने वाले हो पर पता नहीं आपको कौन सा मदरबोर्ड आपके लिए सही है। ठीक है, वैसे तो मार्केट में बहुत सारे मदरबोर्ड है जो कंपैटिबल है, बट आपके लिए क्या बेस्ट होगा वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सो इसमें प्रीमियम आएगा, बेस्ट बजट आएगा, बेस्ट चीपेस्ट मदरबोर्ड आएगा राइजन 5 के लिए। सो एंड तक देखना, आपके डाउट पूरे क्लियर हो जाएंगे। सो सबसे पहले हम लोग जो बात करेंगे वो है बेस्ट चीप मदरबोर्ड फॉर राइजन 5 3600, जो कि है गीगाबाइट का B450MDS3H, जो कि एक B450 चिपसेट पे बेस्ड है। ये राइजन के थर्ड जनरेशन सीरीज को पूरा सपोर्ट करता है। यहाँ पे अगर मैं मैक्सिमम मेमोरी सपोर्ट के बारे में बात करूँ तो आपको 4 DDR4 के स्लॉट मिल जाएगा, जो कि 128 GB तक सपोर्ट करता है, और ओवरक्लॉक करने पे 36,000 MHz के मेमोरी मॉड्यूल को सपोर्ट करता है। यहाँ पे अगर मैं मदरबोर्ड के कनेक्टर्स के बारे में बात करूँ तो आपको एक DVI पोर्ट मिल जाता है, एक HDMI पोर्ट मिल जाता है, 4 USB 3.1 जनरेशन 1 का पोर्ट मिल जाता है, और 4 USB 2.0 का पोर्ट यहाँ पे देखने मिल जाता है विथ 3 ऑडियो जैक्स। यहाँ पे आपको M.2 का एक कनेक्टर देखने मिल जाता है, 4 SATA 6 GBPS का कनेक्टर देखने मिल जाता है, और 3 एक्सपांशन स्लॉट देखने मिल जाता है, जिसमें एक PCI Express X16 का स्लॉट है, एक है PCI Express X16 का स्लॉट ही बट चलता है X4 पे, और PCI Express X1 का एक स्लॉट देखने मिलता है। यहाँ पे मैं अगर प्रोस के बारे में बात कर दूँ, आपको एक्सेलेंट वैल्यू फॉर मनी मिल जाता है, 6 फेस पावर डिज़ाइन मिल जाता है, मॉडरेट कूलिंग आपको देखने मिल जाता है VRM पे। ठीक है, कॉन्स के बारे में बात करूँ तो एक तो आपको RGB लाइट्स नहीं मिल जाता मदरबोर्ड पे, और डिस्प्ले पोर्ट यहाँ पे देखने नहीं मिलता। फिलहाल तो इसका प्राइस 6600 के आसपास है, लेकिन प्राइस फ्लक्चुएट होता रहता है, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। जो नेक्स्ट मदरबोर्ड आता है वो है बेस्ट मिड रेंज मदरबोर्ड फॉर राइजन 5 3600, जो कि है B450 टॉमहॉक मैक्स। यहाँ पे आपको राइजन 9 तक मैक्स सपोर्ट यहाँ पे देखने मिल जाता है CPU पे। यहाँ पे मैं अगर रैम सपोर्ट की बात करूँ तो ये DDR4 के 128 GB रैम को सपोर्ट करता है, और अगर आप मेमोरी मॉड्यूल को ओवरक्लॉक करते तो 4133 MHz तक ये सपोर्ट करता है। यहाँ पे मैं एक्सपेंशन स्लॉट के बारे में बात करूँ तो आपको यहाँ पे 2 X16 का स्लॉट मिल जाता है और 3 X1 का स्लॉट मिल जाता है। यहाँ पे रियर कनेक्टर के बारे में बात करूँ तो आपको यहाँ पे 4 USB 3.2 के पोर्ट मिल जाते हैं, जिसमें से एक जनरेशन 2 का टाइप सी है और एक जनरेशन 2 का टाइप ए है, और बाकी के 2 जनरेशन 1 के टाइप ए है, और साथ में आपको USB 2.0 के 2 पोर्ट यहाँ पे देखने मिल जाता है। और फॉर डिस्प्ले आपको एक DVI पोर्ट मिल जाता है और एक HDMI पोर्ट मिल जाता है। जो VRM है यहाँ पे वो काफ़ी अच्छे क्वालिटी का, ऊपर से आपको हीट सिंक भी मिल जाता है, जिससे आपको परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा मिलेगा। इसका प्राइस अराउंड 11,000 के आसपास फ्लक्चुएट होता रहता है, सो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। जो नेक्स्ट मदरबोर्ड है वो एक्चुअली प्रीमियम सेगमेंट में आ जाता है, जो कि है गीगाबाइट का B450 Aorus Pro Wi-Fi। जैसा इसका नाम सजेस्ट करता है वाईफाई, तो ये एक वाईफाई मदरबोर्ड है। यहाँ पे हम लोग को DDR4 के 4 रैम स्लॉट मिल जाते हैं, जिसका 128 GB मैक्सिमम सपोर्ट है, और ओवरक्लॉक करने में 3600 MHz तक ये सपोर्ट करता है। यहाँ पे PCI Express का आपको 4 स्लॉट देखने मिल जाता है, जिसमें से 3 X16 है और 1 X1 है, लेकिन फर्स्ट जो X16 है वो X16 पे रन करता है, जो सेकंड है वो X4 पे रन करता है, और जो थर्ड X16 है वो X1 पे रन करता है। यहाँ पे M.2 के 2 स्लॉट देखने मिल जाते हैं, जिसमें से फर्स्ट वाला PCI Express 3.0 X4 और X2 SSD को सपोर्ट करता है, और जो सेकंड वन है वो X2 को ही सपोर्ट करता है, और दोनों पे आपको थर्मल पैड्स देखने मिल जाता है। बैक पैनल कनेक्टर में आपको एक HDMI पोर्ट देखने मिल जाता है और एक DVI पोर्ट मिल जाता है, 2 एंटीना कनेक्टर फॉर वाईफाई, 4 USB 3.1 जनरेशन 1 का पोर्ट मिल जाता है, 1 USB Type-C और 1 USB 3.1 जनरेशन 2 का पोर्ट यहाँ पे देखने मिल जाता है, और 5 ऑडियो जैक्स। कूलिंग के बारे में बात करूँ तो आपको काफ़ी अच्छा क्वालिटी का VRM मिल जाता है, उसके ऊपर आपको काफ़ी अच्छा थर्मल शराउड मिल जाता है, और साथ में आपको स्मार्ट फैन 5 का सपोर्ट मिल जाता है, जिसमें आपको 5 फैन पिन एडम मिल जाता है, 6 टेम्परेचर सेंसर्स मिल जाते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका मदरबोर्ड कितना हीट अप्ड है। यहाँ पे आपको ARGB का सपोर्ट मिल जाता है, जिससे आपके मदरबोर्ड का लुक काफ़ी ज़्यादा एनहेंस्ड हो जाएगा। इसका प्राइस के बारे में बात करूँ तो अभी अराउंड 14,300 के आसपास चल रहा है, सो लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, जाके चेक कर लेना। तो यही थे मेरे 3 पिक्स, बेस्ट मिड रेंज प्रीमियम ऑफ B450 फॉर राइजन 5 3600। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और ऐसी वीडियो आपको देखना है तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल बी बैक सून विद अ न्यू